हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका गुप्ता फ्रॉम एम इंटरनेशनल स्कूल नया गाँव कोटा। इन पार्ट वन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेचुरल डिजास्टर विच इज़ अर्थक्वेक क्लियरली। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्केनोज ड्रॉट। सो लेट्स स्टार्ट। सो वॉल्केनोज, अ वॉल्केनो इज एन ओपनिंग और अ रप्चर इन अ प्लैनेट सर्फिस और क्रस्ट विच अलाउज हॉट मॉल्टन रॉक्स ऐश एंड गैसेज टू एस्केप फ्रॉम बिलो द सर्फेस। वॉट इज वॉल्केनो? इट इज़ एन ओपनिंग और रप्चर इन अ प्लैनेट सर्फिस। क्या होता है? ओपनिंग होता है या रप्चर होता है प्लैनेट सर्फिस में और क्रस्ट में, विच अलाउज हॉट मॉल्टन रॉक्स, जितना भी कोर या मेंटल में क्या होता है हॉट मॉल्टन रॉक्स सच इज ऐश एंड गैसेज टू एस्केप फ्रॉम बिलो द सर्फेस। डीप इन साइड द अर्थ देर आर हॉट मॉल्टन रॉक्स कॉल्ड मैग्मा। डीप इन साइड द अर्थ देर आर हॉट मॉल्टन रॉक्स विच वी कॉल मैग्मा। This magma comes up and collects in a chamber. This magma comes up and collects in a chamber. When the pressure inside the chamber builds up, the magma bursts out from a vent. When the pressure inside the chamber builds up, like क्या हुआ? Pressure build up हुआ inside the chamber. Then the magma bursts out from a vent, an opening or a crack in the crust of the earth. What is vent? And it is an opening or a crack. It is an opening or a crack in the crust of the earth. A volcano is formed when gas, pieces of rocks, ash and lava erupt from the vent. बहुत ज़्यादा प्रेशर इनसाइड द चैम्बर बिल्डअप हुआ, मैग्मा बर्स्ट आउट हुआ एंड आउट फ्रॉम अ वेंट एंड ओपनिंग अ क्रैक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अ वॉल्केनो इज फॉर्म्ड व्हेन गैस पीसेस ऑफ रॉक्स ऐश एंड लावा एरप्ट फ्रॉम द वेंट। व्हेन मैग्मा एरप्ट थ्रू द अर्थ सर्फेस इट इज कॉल्ड लावा। व्हेन मैग्मा एरप्ट थ्रू द अर्थ सर्फेस से एरप्ट हुआ देन इट इज कॉल्ड लावा। सम एरप्शंस आर क्वाइट वेयर लावा कम्स आउट जेंटली। कुछ एरप्शंस कैसे होते हैं? बहुत क्वाइट होते हैं, बर्स्ट आउट नहीं होते, इट कम्स आउट जेंटली। बट सम आर क्वाइट एक्सप्लोजिव वेयर लावा कम्स आउट वायलेंटली, ऑन कूलिंग इट फॉर्म्स अ वॉल्केनिक रॉक। और कुछ बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं? एक्सप्लोजिव होते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, एक्सप्लोजिव हो जाते हैं। वेयर लावा कम्स आउट वायलेंटली ऑन कूलिंग और ठंडे होने के बाद इट फॉर्म्स अ वॉल्केनिक रॉक, ये एक वॉल्केनिक रॉक को फॉर्म करते हैं। The hollow top of the volcano that is shaped like a bowl is called a crater. The top of the hollow top of the volcano that is shaped like a bowl is called a crater. Volcanic eruptions can be accompanied by earthquakes, floods or tsunamis. Volcanic ash is acidic and abrasive. Volcanic ash kaisi hoti hai? Acidic hoti hai and abrasive hoti hai, not healthy to be. It can cause lung damage. Of course, not healthy hoti hai, acidic hoti hai, so it can cause lung damage. It can also damage machines as it settles on them. अगर लावा जो होता है वो सेटल डाउन हो जाता है मशीन्स पे तो इट कैन ऑल्सो डैमेज दैट मशीन्स। लावा कैन डिस्ट्रॉय एनी थिंग दैट कम्स इन इट्स वे सच इज हाउसेज, ट्रीज एंड एनिमल्स। बहुत ज़्यादा लावा बर्स्ट आउट होता है जब वायलेंटली या जब एक्सप्लोजिव होता है लावा का, तो बहुत ज़्यादा बर्स्ट आउट होता है। सो इट कैन डिस्ट्रॉय एनी थिंग दैट कम्स इन इट्स वे बाय द होम्स, ट्रीज एंड एनिमल्स। Types of volcanoes. There are three types of volcanoes. First is active volcanoes, second is dormant volcanoes, and the third is extinct volcanoes. Active volcanoes are those that have erupted in the last 10,000 years and can erupt again. कौन से होते हैं? Active volcanoes are those that have erupted in the last 10,000 years but can erupt again. वो फिर से erupt हो सकते हैं. Mount Etna of Italy is an active volcano. Example of active volcano, Mount Etna of Italy. Barren Island in Andaman Island is the only confirmed active volcano in India. India mein kaun sa active volcano hota hai, kahan ho sakta hai? Barren Island in Andaman Islands. A dormant volcano is in a state of sleep. Dormant as a name indicate, dormancy period hota hai. This means that it had erupted in the past, it can erupt again, but at the moment it is inactive. देखो, इट कैन इरप्ट अगेन, ये बहुत पास में तो हो चुका है, एंड इट कैन इरप्ट अगेन बट एट द मोमेंट इट इज़ इनएक्टिव। लेकिन कैसा होगा? इनएक्टिव फॉर्म में। मोनाकिया लोकेटेड इन द हवाई आइलैंड्स यूएसए इज एन एग्जांपल ऑफ एन डोरमेंट वॉल्केनो। नाउ थर्ड, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर दोज दैट हैव बीन इनएक्टिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। क्या होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज? दैट हैव बीन इनएक्टिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स and are not expected to erupt again. Mount Popa in Myanmar is an extinct volcano. Other natural disasters, rather than earthquake and volcano, there are other natural disasters. Some of them are discussed below. Tsunami. It is an enormous wall of water that comes as a series of waves
ऑन टू द सी शो, इनॉर्मस वॉल ऑफ वाटर. इनॉर्मस वॉल ऑफ वाटर मतलब पानी की बहुत ज़्यादा एक दीवार खड़ी हो जाना. कम्स इज अ सीरीज ऑफ वेव्स इन द फॉर्म ऑफ अ वेव्स. दीज वेव्स हैव अ लॉट ऑफ फोर्स एंड कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लूजिंग मच पावर एंड एनर्जी. दीज वेव्स हैव अ लॉट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर. द वेव्स कैन बी एज हाई एज 15 मीटर्स. कितनी हो सकती है? एज हाई एज 15 मीटर्स एंड ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर. द सुनामी वेव्स कैन बी एज हाई एज 15 मीटर्स एंड कैन ऑल्सो ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर. अ सुनामी कैन बी कॉज्ड आइदर बाय एन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और अ लैंडस्लाइड. सुनामी कैन बी कॉज्ड आइदर बाय एन अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन और अ लैंडस्लाइड. ओके, सुनामी इट इज एन इनॉर्मस वॉल ऑफ वाटर दैट कम्स एज अ सीरीज ऑफ वे ऑन टू द सी शोर. सी शोर मीन समुद्र साइड. एंड 20 सुनामी वेव्स आर सो पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव दैट दे कैन अफेक्ट द एंटायर ओशन बेसिस. बहुत ही ज़्यादा सुनामी वेव्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव होते हैं दैट दे कैन अफेक्ट द एंटायर ओशन. पूरा ओशन को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ऑन 26 दिसंबर 2004 अ डिजास्ट्रस सुनामी अकर्ड आफ्टर अ वेरी पावरफुल अर्थक्वेक इन द इंडियन ओशियन जस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंडोनेशिया. 26 दिसंबर 2004 का डिजास्टर सुनामी अकर्ड आफ्टर अ वेरी पावरफुल अर्थक्वेक. मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया वर सेवरली अफेक्टेड. जब दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी इन द इंडियन ओशियन में, जस्ट का इंडियन ऑप्शन जस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड मैनी कंट्रीज. इनफैक्ट इंडिया ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड एट दैट टाइम. आफ्टर मैथ ऑफ सुनामी, लाइक द सुनामी अकर्ड इट डिस्ट्रक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन. और साइक्लोन और हरिकेन इज अ सीवियर स्टॉर्म विद रैपिडली स्पिनिंग विंड्स. दे आर यूजुअली अकम्पनीड बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स. बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, हैवी रेन, बारिश भी बहुत ज़्यादा, एंड समटाइम्स स्नो और सीट. द स्पीड ऑफ द विंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. साइक्लोन होता है, स्पीड ऑफ द विंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज. सो वन अ साइक्लोन अकर्स, ट्रीज आर अपरूटेड, व्हीकल्स ओवरटर्न एंड बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड. साइक्लोन से क्या होता है? ट्रीज अपरूटेड हो जाते हैं, व्हीकल्स ओवरटर्न, अपने आप ही व्हीकल्स टर्न होने लग जाते हैं, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड होती है, ह्यूमन्स को बहुत लॉस होता है, एनिमल्स को लॉस होता है, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होता है. टुडे पीपल कैन प्रिडिक्ट दीज स्टॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ अ सैटेलाइट इमेज. दीज स्टॉर्म्स हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस. इन स्टॉर्म्स का क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होता है इन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस. For example, it is called a cyclone over the Bay of Bengal and the Northern Indian Ocean. It is called a typhoon in Japan. क्या होता है? साइक्लोन कहा जाता है over the Bay of Bengal and the Northern Indian Ocean में. But it is called a typhoon in Japan. Japan में क्या होता है? ये typhoon. And hurricane is a name given to tropical storms in the southern USA. Southern USA में क्या बोलते हैं? Hurricane. Flood arises when the water overflows from a river onto the land. Flood कब होता है? Flood आना, बाढ़ आ जाना, बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, people cannot survive, उन्हें एक place से another place पर move करना ज़रूरी हो जाता है. Flood arises when the water overflows from a river onto the land. This can happen when there is a large amount of rainfall in a short period of time. देखो last time क्या हुआ था? कोटा में flood हुआ था, बहुत ज़्यादा फ्लड, बाढ़, जैसे बाढ़ आ गई थी तो क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा पानी रिवर से ज़्यादा लैंड पे आ गया था, ज़मीनों पे आ गया था, और लोगों को, पीपल को क्या करना पड़ा था? हमें शिफ्ट करना पड़ा था, लोगों को अपने घर से मूव आउट करना पड़ा था. व्हेन देयर इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. फ्लड कैन डैमेज होम्स, ब्रिजेस, रोड्स एंड क्रॉप्स. क्या क्या डैमेज करता है? बहुत सारे पीपल की प्रॉपर्टी डैमेज करता है, होम्स डैमेज करते हैं, ब्रिजेस, रोड्स, क्रॉप. इट ऑल्सो हार्म्स ह्यूमंस एंड अदर लाइफ स्टॉक. फ्लड ऑल्सो हार्म्स ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक एज वेल. ड्रॉट्स. नाउ फ्लड तो क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत कम पीरियड में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिस वजह से वाटर ओवरफ्लो करता है फ्रॉम अ रिवर टू द लैंड. नाउ ड्रॉट अकर्स व्हेन एन एरिया एक्सपीरियंसेस लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर ड्यू टू द लैक ऑफ रेन. अब ड्रॉट क्या होता है? ड्रॉट कब होता है? वो एरिया जहाँ पे बहुत टाइम से, बहुत सालों से और बहुत टाइम से बारिश नहीं हुई है या बहुत कम हुई है ड्यू टू द लैक ऑफ रेन, रेन की कमी से. लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर ड्यू टू द लैक ऑफ रेन. स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ड्राई अप एंड नो क्रॉप कैन सर्वाइव. स्ट्रीम्स और रिवर्स क्या होती है? ड्राई अप हो जाती है, नदियाँ तक सूख जाती है ड्रॉट कंडीशन में. अगर बहुत टाइम तक पानी नहीं आएगा, ड्राई वेदर रहेगा वहाँ का, तो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स ड्राई अप एंड नो क्रॉप कैन सर्वाइव. कोई भी क्रॉप सर्वाइव नहीं कर पाती, एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज दे नीड वाटर टू ड्रिंक. ड्रॉट कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन. किस लिए होता है ड्रॉट? कैन ऑल्सो हैपन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज. People die of famine, extreme scarcity of food after a long period of drought. Drought बहुत लंबे टाइम के लिए, people किसकी वजह से die करते हैं? Because of the famine. Famine means
एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ फूड, फूड की एक्सट्रीम लेवल पे कमी हो जाना, स्कार्स हो जाना फूड का. सो पीपल डाई ऑफ फेमाइन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट. फॉरेस्ट फायर, अ स्पार्क ऑफ लाइटनिंग और हीट जनरेटेड फ्रॉम रॉटिंग प्लांट्स और एनिमल्स और द हीट फ्रॉम द लावा. देखो इस ईयर बहुत ज़्यादा बहुत जगह फॉरेस्ट फायर हुआ है. कैसे हुआ है? स्पार्क ऑफ लाइटनिंग, आपने न्यूज़ में देखा होगा, तो काफ़ी सारे फॉरेस्ट बर्न हुए हैं, फायरिंग बहुत हुई है फॉरेस्ट में. स्पार्क ऑफ लाइटनिंग और हीट जनरेटेड फ्रॉम रॉटिंग प्लांट्स और एनिमल्स, एक हीट जनरेट होती है, लाइटनिंग जनरेट होती है फ्रॉम रॉटिंग प्लांट्स और अ हीट फ्रॉम द लावा ऑफ अ वॉल्केनो कैन स्टार्ट अ फॉरेस्ट फायर. वॉल्केनो हुआ, उसका लावा ने क्या करा, अगर लावा बहुत ज़्यादा वायलेंटली स्प्रेड हुआ, इरप्ट हुआ, तो क्या किया, अगर फॉरेस्ट है, ट्रीज है, होम्स है, उसने सबको कवर किया. सो द फॉरेस्ट ऑल्सो बर्न फ्रॉम द लावा ऑफ अ वॉल्केनो कैन स्टार्ट अ फॉरेस्ट फायर. दीज आर सम ऑफ द नेचुरल कॉजेज ऑफ अ फॉरेस्ट फायर, बट इट कैन ऑल्सो बी कॉज बाई ह्यूमन केयरलेसनेस. ये तो नेचुरल कॉजेज होते हैं फॉरेस्ट फायर के, लेकिन ह्यूमन अगर केयरलेस रहते हैं तो उस वजह से भी फॉरेस्ट फायर हो जाती है. फ्लड कंडीशन वैन वाटर इज वेरी वेरी मच एंड ड्रॉट कंडीशन, जब पानी बिल्कुल ही नहीं होता, रेन नहीं होगी, वाटर नहीं होगा, तो क्या होता है, एरिया ड्राई अप हो जाता है एंड फॉरेस्ट फायर. वी हैव स्टडीड नेचुरल डिजास्टर्स. थैंक यू.